कैसे सारे लौंडे लपाटे, मैं इस वीडियो में आपको टेस्टोस्टेरोन के बारे में आपको बताऊंगा कि बहुत सारे बंदे इसको एक जानलेवा ड्रग समझते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टेस्टोस्टेरोन कोई ड्रग नहीं है, ये हमारे बॉडी में खुद बनता है, हमारा बॉडी से प्रोड्यूस करता है, दैट मेक्स अस मैन। तो हमारा बॉडी जानता है इसको यूज़ किस तरह करना है, और ये कोई ड्रग नहीं है। अगर आप इसको एक्सोजेनसली भी, सिंथेटिकली भी अगर आप लेते हो, तो हमारा बॉडी जानता है कि इसको किस तरह यूज़ करना है। सो ये हमारे बॉडी के लिए कोई नया नहीं है, हमारा बॉडी खुद प्रोड्यूस करता है। अगर आप इसको एक्सोजेनसली भी लेते हो, तो हमारा बॉडी जानता है कि इसके साथ क्या करना है। सो टेस्टोस्टेरोन कोई कल्प्रिट नहीं है, टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा सब्सटेंस है दैट मेक्स अस मैन। अगर टेस्टोस्टेरोन नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। तो टेस्टोस्टेरोन कोई ड्रग नहीं है, टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो हमारा बॉडी खुद बनाता है। अगर आप इसको एक्सोजेनसली भी लेते हो, तो आप कोई ड्रग नहीं ले रहे हो, आप एक ऐसा सब्सटेंस ले रहे हो जो आपके बॉडी में खुद बनता है। और इसका साइड इफ़ेक्ट तब है जब आप इसको बहुत ज़्यादा एब्यूज़ करते हो, बहुत ज़्यादा इसका डोजेज लेते हो, 1000-2000। अगर आप इसको TRT के तौर पर लेते हो, तो इसका आपको बेनिफिट मिलता है, ना कि कोई आपको साइड इफ़ेक्ट। दैट्स वाई सो मैनी TRT क्लिनिक्स आर स्टिल अलाइव, बिकॉज टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है, ना कि कोई ड्रग। अब बात करते हैं कि स्टेरॉइड्स का जो साइड इफ़ेक्ट है, वो लोग किस तरह डरते हैं, क्या होता है। टेस्टोस्टेरोन का जो भी, जितना भी आप देखते हो, ट्रेनबोलोनेसिटेट, विनस्ट्रॉल, अगर आप टेस्टोस्टेरोन का एक मॉलिक्यूल लेते हो, उसके चेन में आप कार्बन एटम को चेंज करते हो, तो बनता है ट्रेनबोलोन बनेगा। कुछ और चेंज करोगे कार्बन एटम में, तो विनस्ट्रॉल बनेगा, मैस्ट्रॉन बनेगा। और फिर आप उसको मिक्स करते हो, एक साइकिल बनाते हो, फिर उसको लेते हो, तो उससे आपको साइड इफ़ेक्ट होगा। बिकॉज वो जो आप डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएशंस यूज़ कर रहे हो टेस्टोस्टेरोन का, वो जो वेरिएशंस है, ट्रेनबोलोन, डेका, उससे आपका बॉडी अडेप्ट नहीं है, बिकॉज वो चीज़ें आपके बॉडी के लिए न्यू है, वो टेस्टोस्टेरोन नहीं है। आपका बॉडी सिर्फ टेस्टोस्टेरोन को समझता है, उसको नेचुरली प्रोड्यूस करता है। तो उसको अगर आप TRT डोज पर भी लेते हो, तो आपकी लाइफ को, सेक्सुअल हेल्थ को अच्छा करता है, ना कि ख़राब करता है। लेकिन साइड इफ़ेक्ट कब होता है, जब आप वेरिएशंस जो टेस्टोस्टेरोन को, जो उसके मॉलिक्यूल को छेड़छाड़ करके बनाया जाता है, वो चीज़ों को मिक्स करके लेते हैं, तो आपको साइड इफ़ेक्ट होगा। बिकॉज मैस्ट्रॉन, ट्रेनबोलोन, ये सारे जो टेस्टोस्टेरोन का वेरिएशंस है, ये आपके बॉडी के लिए नया है, आपका बॉडी इसको समझता नहीं है। सो जब आप इसको खिचड़ी पका देते हो साइकिल में, ये वो 5-6 तरह का कंपाउंड ऐड करते हो, तो साइड इफ़ेक्ट और बढ़ जाता है। एंड साइड इफ़ेक्ट अचानक से आप एक दो साइकिल में फील नहीं करते हो, डाउन द रोड आपको फील होता है, आपका DST बढ़ता है, बाल्डनेस, या आपको हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है, या आपको कुछ भी नहीं हो सकता है अगर आपका जेनेटिक सुपीरियर है तो। सो दीज आर द चांसेस आपको डाउन द रोड ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लेकिन एक जो मिथ है कि टेस्टोस्टेरोन एक कल्प्रिट है, सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टेस्टोस्टेरोन आपका बॉडी खुद बनाता है। अगर आपका लाइफ 35 के बाद सबका सेक्सुअल हेल्थ हेल्दी नहीं रहता है, जिसकी वजह से आप कंप्रोमाइज़ कर रहे हो, आपका पर्सनल लाइफ, आपका सेक्स लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ आप कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको आपके डॉक्टर के एडवाइस से TRT करना चाहिए। बिकॉज ये हेल्दी है, ये एक वाइज बंदे का पहचान है कि वो TRT करे आफ्टर 35। बिकॉज टेस्टोस्टेरोन इज़ नेचुरल, वेदर यू टेक इट एक्सोजेनसली और आपका बॉडी इसको खुद बनाए, तो भी इट्स नेचुरल, आपका बॉडी समझता है। तो 35 के बाद भी आप 20 का ऐसा फील करोगे कि आप 20 के हो, अगर आप अपना जो टेस्टोस्टेरोन का बैलेंस अपने बॉडी में बना कर रख, तो क्यों आप टेस्टोस्टेरोन के इम्बैलेंस से अपना लाइफस्टाइल, अपना हेल्थ, अपना सेक्सुअल लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ करो, ना कि 38 के बाद आप एक TRT रन करो और हेल्दी लाइफ गुजारो। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि टेस्टोस्टेरोन इज़ हेल्दी, इट्स वेरी गुड, एंड
कोई ड्रग नहीं है, इट जस्ट अ हार्मोन जो आपका बॉडी खुद बनाता है और आपका बॉडी समझता है इसको किस तरह यूज़ करना है। सो टेस्टोस्टेरोन कोई ड्रग नहीं है, ये एक हार्मोन है, इसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हो वेल बीइंग के लिए, अपना हेल्थ अच्छा रखने के लिए, अपना सेक्सुअल लाइफ को सही करने के लिए। जब आप इसको ओवरडू करते हो तो साइड इफ़ेक्ट होता है, और जब इसके वेरिएशंस को आप साइकिल में यूज़ करते हो जो कि आपका बॉडी समझता नहीं है, ट्रेनबोलोन वगैरह को, वो सारे नए चीज़ें हैं, जब वो सारी चीज़ें आप यूज़ करते हो तो आपको साइड इफ़ेक्ट होता है। मैं यही चीज़ें इस वीडियो में क्लियर करना चाहता हूँ कि टेस्टोस्टेरोन कोई कल्प्रिट नहीं है, उसके वेरिएशंस को आप जब यूज़ करते हो बहुत सारे कंपाउंड को तो उसका साइड इफ़ेक्ट होता है। अगर बॉस कोई ओनली टेस्टोस्टेरोन भी रन करके साइकिल करता है, दैट्स हेल्थ। और मैंने देखा है कि एक्सोजेनसली भी कोई बंदा अगर टेस्टोस्टेरोन लेता है एट द सेम टाइम इफ़ ही इज़ ट्राइंग टू मेक हीज़ वाइफ कंसीव, तो ये भी हो जाता है। ये मेरे साथ खुद हुआ है जबकि मैं ट्रेनबोलोन वगैरह भी ले रहा था। सो वीडियो का बनाने का यही पर्पस है कि टेस्टोस्टेरोन इज़ गुड, इट्स हेल्दी, आपकी बॉडी का हार्मोन है, ना कि कोई ड्रग है जो कि हमारे सोसाइटी में जिस तरह समझा जाता है कि टेस्टोस्टेरोन ले रहा है, ड्रग ले रहा है। इट्स नॉट मरिजुआना नहीं है, ये कोकीन नहीं है, इट जस्ट टेस्टोस्टेरोन जो हम लोगों को बनाता है, दैट मेक्स अस मैन। सो दैट्स इट फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो रेड बटन निकल गया उसको भी टक 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 जरूर दबाना।